इटली का फ्लैग है और ये पूरा एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है फादर्स लैंड के नाम से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी इटालियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी उनके यादगार में ये जगह बनाई गई थी। मैंने एक सीज़न देखा था नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम था द स्पार्टिकस, और स्पार्टिकस में ये सारा दिखाते हैं कैसे फाइट्स होती थी। और जहाज़ के इस साइड में सूरज डूब रहा है और बहुत खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। शी इज़ फ्रॉम द न्यू यॉर्क सिटी। I'm a double major in marketing and German. So for my German major, I have to go abroad for a semester in Germany. So I did. Okay. I do think it's also pretty cheap compared to like American universities. Mm-hmm. So like my semester fee was like about 100 euros. Okay. In America, it's like 10 bucks. Oh, that's so it's huge a difference. Huge difference, yeah. तो ये पीछे आपको कोलोसियम नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग 2000 साल पुरानी है और ये एक पुरानी घिसी पिटी सी ट्रैम्प है। ये स्ट्रक्चर में छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इसमें मेटल लगे हुए थे टू मेक दिस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। जब इस कंट्री की इकॉनमी मजबूत नहीं थी तो लोगों ने इसी स्ट्रक्चर के मेटल चुराए निकाले और उससे उन्होंने वेपन्स बनाए। यहाँ से ग्लैडिएटर्स अंदर आते थे और फाइट करने के बाद ग्लैडिएटर्स इस गेट से बाहर जाते थे। उसका नाम है कोलोसियम और ये कोलोसियम वर्ड जो निकला है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है और वो लैटिन वर्ड है कोलोसियस, उसका मतलब है बहुत बड़ा, जायगेंटिक। यो ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम सेनेगल। सेनेगल, यस। यू राइट? वेयर फ्रॉम? पाकिस्तान। पाकिस्तान, गुड। सलाम अलैकुम पाकिस्तान। थैंक यू। माशाल्लाह, कुल तमाम। ये इसके बाहर के दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे पे आप नंबर देख सकते हो, ये XXV। इसके ऊपर एक बेस बना हुआ था और ये टनल्स इसके नीचे बने हुए थे, लेकिन अर्थक्विक से इसका जो टॉप का जो बेस था, जो छत थी, वो गिर गई है। दो ग्लैडिएटर एक दूसरे के साथ फाइट करते थे तो उसमें से जिसने जिसको मार दिया दूसरा आज़ाद। और अगर जानवर और ग्लैडिएटर के बीच में फाइट हो रहा है, जैसे शेर और आदमी के बीच में, इटली की पुलिस है जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के 10 बज रहे हैं और वीकेंड है, मेरी ऑफिस से आज ऑफ है और ठंड बहुत ज़्यादा है इस वक्त, -1 टेम्परेचर है बर्मिंघम में। शॉर्ट्स में रनिंग कर रहे हैं, ठंड है और कुछ करने को है नहीं ख़ास, तो घूमने निकलता हूँ। तो मैं फ़्लाइट चेक कर रहा था और अवेलेबल फ़्लाइट्स में मुझे एक फ़्लाइट मिली आज की, अभी की, और वो फ़्लाइट है रोम इटली की। तो मैं निकलने वाला हूँ रोम इटली और मैं जाता हूँ, चेंज करता हूँ, नाश्ता करता हूँ और निकलता हूँ एयरपोर्ट की जानेब। अब बज रहे हैं 10 और फ़्लाइट है मेरी 2 बजे, तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं रेडी होके। और जनाब तैयार हो गया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ ऊबर का, ऊबर आ रही है और मैं निकलने वाला हूँ एयरपोर्ट। शॉर्ट्स लेने होते हैं और दूसरा बीच में बैठना पसंद नहीं है, सो आई ऑलवेज गो फॉर द विंडो सीट। साइड में चांद है और जहाज के उस साइड में सूरज नजर आ रहा है।
पूरा है और बहुत खूबसूरत है। रोम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिकॉज आई केम फ्रॉम द यूके टू द यूरोप, सो पासपोर्ट चेक इन करना मस्ट है। अराइवल और डिपार्चर मिक्स है पूरा। मैंने जितना भी ट्रेवल किया है उन सब एयरपोर्ट्स में से सबसे मेसी इन द सेंस कि यार आपको पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ जा रहे हो। प्लस लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है, हर जगह पर इटालियन लिखी हुई है तो समझ नहीं आ रही। मुझे करीबन कोई 20-25 मिनट हो गए, मैं तो एक दूसरे फ्लाइट के बोर्डिंग के लाइन में भी घुस गया। जब वहाँ पहुँचा उन्होंने बोला दूसरे फ्लाइट में चढ़ना है आपको। लेट्स सी एग्जिट। फाइनली इमिग्रेशन चेक करके एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। कोई 50 मिनट बाद इटली की इजाद है पिज़्ज़ा और पास्ता, तो पिज़्ज़ा और पास्ता मस्ट है ट्राई करना। अभी जाके कहीं पर हलाल पिज़्ज़ा ढूँढता हूँ। मैंने यहाँ से ट्रेन की टिकट ली है और ट्रेन में जाऊंगा मैं सिटी सेंटर। टिकट ट्रेन का 15 यूरोस का है जो कि बनते हैं कोई 10 पाउंड शायद, 10-11 पाउंड, तो इट्स चीप। यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर सिटी सेंटर है रोम का, यहीं से ट्रेन में जाना है। ये चीज़, और इस ट्रेन को इन्होंने इटली के फ्लैग का कलर दिया हुआ है। स्टेशन आ गया है सिटी सेंटर का, रोम का। सिटी सेंटर रोम के एयरपोर्ट से करीबन 37 मिनट की दूरी पे है। जैसे ही मैं निकला तो सामने मुझे इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, हलाल इंडियन रेस्टोरेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा है, मैंने ज़िंदगी में कभी इस शक्ल के दिखने वाले पिज़्ज़ा नहीं ट्राई किए ना खाए हैं। अजीब अजीब पिज़्ज़ाज हैं। सो मैं ऑर्डर करता हूँ पिज़्ज़ा। ये हमारे इटली का पहला पिज़्ज़ा, दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में कैसा है देखते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ मुझे अच्छा नहीं लगा। इट्स नाइस बट इट्स नॉट दैट मच नाइस। ग्लैडिएटर होते थे जंग लड़ने के लिए, ऐसे ही हेलमेट पहनते थे। सुबह मैं आपको यहीं लेके जाऊंगा। नंबर प्लेट्स अगर आपको चाहिए गाड़ी के लिए, डेकोरेशन के लिए है सिर्फ ये। और ये एक पुरानी किसी पीटीसी ट्रैम्प है और ये पुरानी बस इटली की। रास्ते में ही टेंट लगा के सो रहा है और एक बंदा वहाँ सो रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुर्बत है थोड़ी सी। होटल वर्जीनिया, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नुवामा, पिज़्ज़ा नुवामा ये वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ दैट्स नाइस, इट्स अ नाइस बिग रूम। सो मैं पहुंच गया हूँ होटल वर्जीनिया। करीबन कोई 15 मिनट की वॉक थी फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। आई एम सो मच टायर्ड, सोता हूँ और सुबह उठ के आपको दिखाऊंगा इटली का शहर रोम। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया हूँ और अभी जा रहा हूँ इटली एक्सप्लोर करने। इटली का शहर रोम दिखाऊंगा आपको और साथ ही मैं जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ दैट इज़ द प्लेस जो कि मस्ट मैं देखने आया हूँ, उसका नाम है कोलोसियम। दुनिया का एक अजूबा है, क्या है किस तरह दिखता है आपको आगे जाके वीडियो में दिखाता और बताता हूँ। इंजॉय करिए आगे का ब्लॉग।
होटल का किचन है जिसकी कुर्सियाँ बड़ी फैंसी है, स्मोकिंग रूम है और ये नीचे स्ट्रीट्स आपको नजर आ रही है। पीछे इटली का फ्लैग है और साथ में यूरोप का ब्लू फ्लैग लगा हुआ है। स्पेन की तरह यहाँ पे भी खजूर के काफी ज्यादा पेड़ में देख रहा हूँ। और ये चौकीदार मामा है जिसके हाथ में अजीब सी बंदूक है। अभी मैंने ऑनलाइन बुकिंग की है कोलोसियम के टिकट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, जो भी इटली रोम आ रहा है और उन्होंने कोलोसियम देखना है, अपनी एडवांस बुकिंग कर लो कोलोसियम के टिकट्स की, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलेगी। मैंने भी कुछ जुगाड़ वगाड़ लगा के ब्लैक में ली है। कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको डबल रेट के टिकट मिलते हैं। तो जो पैकेज मैंने लिया है उसमें एक वीडियो गाइड करने के लिए भी इंक्लूड है। तो अभी जाके पहले वो वीडियो देखते हैं और फिर कोलोसियम बाय वॉक चलते हैं। यहाँ पे वीडियो चलने वाली है। दिखा रहे हैं कि कैसे ये पहले था और कैसे अभी है। द टाइम जब ये बना था ये इस तरह दिखता था और अभी ये हाफ जो इसकी बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक से ख़राब हो गई है, गिर गई है। मैं बिल्कुल कोलोसियम के सामने हूँ, करीबन 10 मिनट अगर आप सिटी सेंटर से वॉक करते हो 10-15 मिनट आपको लग जाते हैं। और साथ में ही काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि कुछ बिल्डिंग्स अर्थक्विक की वजह से बर्बाद हो गई है। You're right, man. Yes, bro. Yo, bro, where are you from? From Senegal. Senegal. Yes. You're right. Where are you from? Pakistan. Pakistan, good. Salam alaikum, Pakistan. Thank you. Mashallah, kutama. Bye, bye. So, ye ek black Senegal ka londa mujhe mila. ये पीछे आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है, मेरी माँ, ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये है रोम की पहचान, ये है इटली की पहचान। इसका नाम है कोलोसियम और इसकी तारीख और इसके बारे में मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। कोलोसियम का क्यू सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें खड़े होके अब अंदर जाना है हमने। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और इधर ही मैंने लाइन में खड़े हो जाना है इस आंटी के पीछे। और ये कोलोसियम की दीवारें हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये जो आपको इस बिल्डिंग में छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इसमें मेटल लगे हुए थे टू मेक दिस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब इस कंट्री की इकॉनमी मज़बूत नहीं थी तो लोगों ने
इसी स्ट्रक्चर के मेटल चुराए निकाले और उससे उन्होंने वेपन्स बनाए, क्योंकि मेटल था, प्योर मेटल था, तो वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके अलावा बेचा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके साथ थी, तो उसकी वजह से पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये हर जगह पे होल नज़र आ रहे हैं। और ये मैं कोलोजियम के अंदर पहुंच गया हूँ, ग्राउंड फ्लोर है, कोलोजियम की पुरानी तस्वीर है ऊपर वाली, और ये करंट सिचुएशन है कोलोजियम की, जो नीचे वाली तस्वीर है आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये पुराने ज़माने के दरवाजे, और ये मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ इस वक्त कोलोजियम के। जिस बिल्डिंग में इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसका नाम है कोलोजियम, और ये कोलोजियम वर्ड जो निकला है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, और वो लैटिन वर्ड है कोलोजियस, उसका मतलब है बहुत बड़ा, जाइगेंटिक, और उसी से ही कोलोजियम का वर्ड इन्होंने बनाया हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 70 AD में, और ये करीबन 2000 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। ये बनाई गई थी क्योंकि उस टाइम पे कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल कुछ नहीं था, तो बतौर फन एक्टिविटी, बतौर एक गेम के लिए ये स्टेडियम बनाया गया था। और इसके अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके चार फ्लोर है, ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो वाला, वहाँ पे बादशाह या जो इम्पीरियर होता था, जो रूलर होता था वो बैठता था, उसके ऊपर उसके मिनिस्टर्स और जो अमीर लोग थे वो बैठा करते थे, उसके ऊपर वाले फ्लोर में जो यहाँ के नॉर्मल सिटीजन थे वो बैठा करते थे, उसके ऊपर मजदूर लोग थे वो सारे टॉप में बैठा करते थे। एंट्री उस टाइम पे एब्सोल्युटली फ्री थी, और ग्लैडिटोरियल फाइट्स के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। होता क्या था, या तो एक एनिमल जैसे लायन, क्रोकोडाइल और बियर, वो इंसानों के साथ फाइट करते थे, या दो ग्लैडिएटर एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, उसमें से वही जीतता था जो दूसरे को मार देता था। और अगर जानवर और ग्लेडिएटर के बीच में फाइट हो रहा है, जैसे शेर और आदमी के बीच में, तो जिसने जिसको मार दिया दूसरा आजाद। और यूजुअली कुछ हिस्ट्री में ये भी बताते हैं कि जो कैदी होते थे तो वो दो कैदियों के बीच में फाइट करते थे, और उस कैदियों में से जिसने जिसको मार दिया तो दूसरा आजाद हो जाता था। ये लोगों की तादाद देखिए ज़रा, कितने ज़्यादा लोग कोलोजियम को देखने आए हैं। ये म्यूज़ियम है अंदर, और उन्हीं के पुराने यूज़ के बर्तन हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, जिन जानवरों की मैंने बात की कि जानवरों के साथ लड़ते थे, तो वो ग्राउंड फ्लोर के नीचे दरवाजे से बने होते थे, और वो दरवाज़ों से बाहर निकलते थे। इन्होंने स्ट्रक्चर में वो दिखाने की कोशिश की है। 2000 साल पहले क्या इंजीनियर्स थे, वो क्या आर्किटेक्चर थे, जिस खूबसूरती से इन्होंने इस कोलोजियम को बनाया है, हैरान कर देता है इंसान को। यहाँ से ग्लैडिएटर्स अंदर आते थे, और ये यहाँ पे जो इम्पीरियर, रूलर, बादशाह जो भी था वो बैठा करता था, और फाइट करने के बाद ग्लैडिएटर्स इस गेट से बाहर जाते थे। और आपको यहाँ पे एक क्रिश्चियनिटी के क्रॉस का निशान भी नज़र आ रहा है, जो कि उसी ज़माने का लगा हुआ है। ये कुछ सीट्स बाकी हैं, एक किस्म के स्टेप्स है, तो इसी पे लोग बैठा करते थे। स्टेडियम की पुरानी जो शेप है वो इस तरह नहीं थी, ये अभी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। आसमानी बिजली गिरी थी इस बिल्डिंग पे, जिसने इसको बहुत बर्बाद किया, लेकिन 317 AD में इसको फिर से रिपेयर किया गया, और इसको अपने पुराने कंडीशन में लाया गया। उसके बाद 1349 AD में एक ज़ोरदार अर्थक्वेक ने इसको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया, और जो लोकल लोग थे उन्होंने इसके जो पत्थर थे बड़े बड़े,
उसको डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया, और मोस्टली चर्चेस बनाने के लिए इसके मटेरियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े और ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म के पत्थर थे, तो उसको चर्च बनाने में इस्तेमाल किया। 80 डोर है, 80 दरवाजे हैं इसके, और कैपेसिटी इसकी 70,000 है, मतलब इस टोटल स्टेडियम में 70,000 लोग बैठा करते थे उस ज़माने में, आज से 2000 साल पहले। अच्छा, जो 80 दरवाजे हैं उसमें से एक दरवाज़ा जो कि ये वाला है, ये किंग का था, इस पे जो इम्पीरियर था, किंग था उस टाइम का, वो इसको यूज़ करता था। जो दो तीन दरवाजे थे वो ख़ास रिच लोग थे, मिनिस्टर्स वगैरह उसको इस्तेमाल करते थे। 76 जो बाकी दरवाजे थे वो आम लोग इस्तेमाल करते थे, और हर एक दरवाजे पे रोमन, इनकी जो काउंट है, हर एक दरवाजे पे रोमन काउंट में नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सबसे टॉप फ्लोर है जहाँ पे लेबर बैठा करते थे, लेकिन इसका आधा हिस्सा गिर गया है अर्थक्वेक की वजह से। ग्राउंड फ्लोर है, सो ये वो बेसमेंट है, इसके ऊपर एक बेस बना हुआ था, और ये टनल्स इसके नीचे बने हुए थे, लेकिन अर्थक्वेक से इसका जो टॉप का जो बेस था, जो छत थी, वो गिर गई है, तो नीचे उसके जितने भी रूट्स हैं वो सारे अभी दिख रहे हैं। और यहाँ से पूरा व्यू कोलोसियम का आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे लड़कियाँ ग्लेडिएटर्स भी लड़ा करते थे, लेकिन उनका फ़ाइट लोगों को पसंद नहीं आता था, तो उसकी वजह से वो फिर बंद कर दिया। और डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट कंट्रीज से मजबूत बॉडी बिल्डर टाइप ग्लेडिएटर्स जो होते थे वो आते थे यहाँ पे लड़ने के लिए। और फिर एंड में 435 AD में आखिरकार यहाँ पे जो ग्लेडिएटर्स के फ़ाइट थे वो बंद कर दिए, बिकॉज़ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमवात हो रही थी, तो उसके बाद ग्लेडिएटर्स का जो शो होता था वो बैन कर दिया। सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी यहाँ पे, ये सोच कर दिमाग थोड़ा सा सुन हो जाता है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मरे थे, और लाखों की तादाद में लोग जब मर रहे थे तो हज़ारों की तादाद में लोग इर्द गिर्द बैठ के उनको देख के खुश हो रहे थे। एक किस्म का स्पोर्ट्स था, एक किस्म का फ़न था, एक किस्म की फ़न एक्टिविटी थी लोगों के लिए। मैंने एक सीज़न देखा था नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम था द स्पार्टिकस। और स्पार्टिकस में ये सारा दिखाते हैं कैसे फ़ाइट्स होती थी, कैसे जानवर निकलते थे इधर से, कैसे ग्लैडिएटर्स निकलते थे। तो एक किस्म के तहखाने होते थे जिसके दरवाजे ग्राउंड से बिल्कुल लेवल होते थे, और वो खुलते थे और ज़मीन के अंदर से जानवर निकल आते थे। ये इसके बाहर के दरवाजे हैं, और हर एक दरवाजे पर आप नंबर देख सकते हो, ये XXV। 80 गेट्स की मैं बात कर रहा था, ये सारे वो 80 गेट हैं, और हर एक गेट के ऊपर रोमन में काउंट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए XXV लिखा हुआ है, XL ये रोमन में लिखा हुआ है, XI मतलब आई थिंक ये 11वां नंबर दरवाज़ा है। इटली की पुलिस है जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है।
तो ये पीछे आपको कोलोसियम नज़र आ रहा है और इसके साथ 10 मिनट की वॉक पे एक जगह है जिसका नाम है फादर्स लैंड। वो वर्ल्ड वॉर के जो शहीद थे उनके नाम पे वो जगह बनाई है। वॉक पे है 10 मिनट, वो भी काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये इटली में छोटी सी गाड़ी इलेक्ट्रिक कार है फियाट, और ये इंग्लैंड में बहुत लोग पसंद करते हैं फियाट गाड़ी को। ये मेड इन इटली है, ये कंपनी इटली की है। हैवी बट लुक्स लाइक अ टॉय। और ये बाटा की शॉप मुझे नजर आई है। बचपन में हमारे डैड हमारे लिए स्कूल शूज बाटा से हमेशा लिया करते थे, ये बहुत ज्यादा अच्छे किस्म के शूज होते थे इस टाइप के, दिखने में भी और स्ट्रॉन्ग होते थे। व्हाट्स दिस? हेलो भाई, पेंटिंग। या पेंटिंग। ये भी यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है। जगह जगह पे आपको पेंटर्स बैठे नजर आते हैं और आपके फरमाइश के मुताबिक वो किसी भी चीज पे आपको कोई भी तस्वीर पेंट करके दे देंगे। उसके अलावा हर जगह पे हमारे देसी इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इटली में, रोम में स्पेशली, और वो सेल्फी स्टिक और चार्जर वगैरह और पावर बैंक ये बेचते रहते हैं। आप उनको हज़ार दफ़ा बोलो कि नहीं चाहिए बाबा, हमारे पास दो दो पड़े हैं, तीन तीन, वो आपको यू नो फोर्सफुली वो अपना प्रोडक्ट बेचने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं तो इरिटेट हो गया हूँ यार। सो आपने वीडियो में देखा होगा I lost my Ray-Ban Wayfarer जब मैं एक जगह गया था घूमने, हाथ पे भी लग गई थी वो Wayfarer, ये वाली थी। और क्योंकि Ray-Ban इटली का ब्रांड है तो मैं इटली में ही था, तो आई थॉट मैं देखता हूँ। I lost it 7 times. I bought it 7 times and I lost it 7 times. तो ये वो मॉडल है, तो मैं ये लेने वाला हूँ। ये कुछ इस तरह दिखता है। But this one is polarized and this one is not polarized. That's the difference. तो मैं ये वाला लेने वाला हूँ। है? You don't have no, the. No. The one which is solo polarized. Okay. तो Father's Land पहुँच गया हूँ मैं। तो ये पीछे आपको जो flag नज़र आ रहा है, Italy का flag है, और ये पूरा एक monument बनाया हुआ है Father's Land के नाम से। First World War में जितने भी Italian soldiers की डेथ हुई थी उनके यादगार में ये जगह बनाई गई थी। अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। लेकिन बैठ के तस्वीर नहीं अलाउड। सिटिंग ऑन द स्टेयर्स नॉट अलाउड। मिलिट्री सैंक्चुअरी। व्हाट? इट्स अ मिलिट्री सैंक्चुअरी। अंडरग्राउंड हियर देयर इज 1 मिलियन पीपल डेड। ओके। कपल था वो पिक्चर्स ले रहा था, तो सिक्योरिटी आई उसने उठा दिया उसको। तो मैंने पूछा क्यों, उसने बोला इस जगह पे जैसे मैंने पहले मेंशन किया इटालियन लाखों इटालियन सोल्जर्स की वर्ल्ड वॉर वन में डेथ हुई थी, तो इस वजह से आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते। एग्जैक्ट वही जगह पे उनकी डेथ हुई थी, स्टेयर्स जहाँ से मैं चढ़ के ऊपर आया हूँ, और काफ़ी बड़ी स्टेयर्स है वहाँ तक। ये घोड़ा लगा हुआ है, आपको लेके जाता हूँ ऊपर। सोल्जर्स खड़े हुए हैं और ये वो यादगार है सोल्जर्स की। आग भी लगाई है और ऊपर घोड़ा है और इस साइड इटली का फ्लैग लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थे लेकिन फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ, बिल्कुल इटली के फ्लैग के सामने, और बिल्कुल इसके पीछे मेरे सर के ऊपर फादर्स लैंड का मॉन्यूमेंट है। Okay, so randomly when I was exploring Rome, I met Sarah. I thought Sarah is a Muslim name, but it's not just a Muslim. I had a lot of friends in Pakistan and in England as well who had Sarah name. So yeah, that was something that I never knew. Randomly I met her and she's from the New York City and she is studying in Germany. I don't know about the degree. She'll give you the information regarding whatever she's studying in Germany. So over to you, Sarah. So I am
am a double major in marketing and German. So for my German major, I have to go abroad for a semester in Germany. So I did. And I am in Kempten University. It is in Bavaria, so it's like very south. Okay. Honestly, I do love it. I do wish it had a little more structure to the classes and the semester a little bit, because it's very like no attendance, there's no really assignments. It's like just one big test or one big project at the end. So it doesn't give very much incentive to want to go to class. Okay. I think it's also pretty cheap compared to like American universities. So like my semester fee was like about 100 euros. Okay. And then also, you know, you have to pay for an accommodation, like you know, signing a rent and lease and whatever. Okay. That's maybe like 200 euros a month. So it's not really that bad. And I would also say the groceries are pretty cheap in my opinion. And also like their prices for like basic needs of living are also very cheap. Okay. Like in Germany I paid like 55 cents for a bottle of body wash, and in America it's like 10 bucks. Oh, that's so it's huge difference. A huge difference, yeah. How's the study? So you've done your bachelor's in the US or what? I'm still doing my bachelor's. Okay, so you've done half of the bachelor's there. Yeah, well, it's my last year, so I've done most of it in New York and then some of it over there in Germany. Here, yeah. Okay, so what's the major difference between the studies if you compare the American syllabus with the one you're studying in Germany? I would say the American syllabus is much more hardcore. Hardcore. You are getting graded on like an assignment or homework that you have do every single class. You have quizzes every single week, tests like almost every other week, and then you have like bigger assignments throughout the semester, like a 2-3 page paper, and then you also have like finals, and then also like semester essays, and like it's so much more required work than I'd say in Germany, because in Germany they just expect you to like study it by yourself. Okay. But like in America it's like attendance and then everything. It's awful. And how's the weather? Which weather do you prefer? I honestly would say they are about the same in terms of weather. It's kind of like the nice warmer fall, and then it gets a little cooler, and then it's raining for a month, and then it starts snowing. So it's the same, I think, in both. Okay, good luck for your studies. I hope you complete your studies soon. Me too. And yeah, hopefully you'll watch this video on my YouTube channel wherever you are, maybe the US, maybe Germany. Thank you so much. जिस लड़की से आपकी बात कराई उसका नाम था सारा, और रैंडमली मैं ब्लॉग कर रहा था तो वो आई, बोला मेरी पिक्चर्स क्लिक करो, तो उसके साथ मेरी नॉर्मल कॉन्वो हो रही थी, आपको भी दिखाया, होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वाले ब्लॉग में किसी और शहर, किसी और मुल्क के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।